हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी लैब। स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी लैब में। देखिए, रेलवे के एएलपी और टेक्नीशियन के लेके जो बहुत सारे मेरे कमेंट आ रहे थे, उसके बारे में हम आप डिस्कस करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे थे कि सर कौन सा जोन सेलेक्ट करें, तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जोन जो भी सेलेक्ट कीजिए, आप अपने मर्जी से सेलेक्ट कीजिए, क्योंकि सभी जोन में जो है फॉर्म फिल हो रहे हैं। अब ऐसा है कि कुछ जोन में कम फिल हो रहे हैं, कुछ जोन में ज़्यादा फिल हो रहे हैं। आप जैसा सोच रहे हैं वैसा ही आपको फ्रेंड सोचते रहते हैं कि मैं किस जोन में भरूँ ताकि मुझे कम कटअप पे सामना करना पड़े, जिसका मार्क्स ज़्यादा है वो भी और जिसका मार्क्स कम है वो भी। मेरे पास 51 तक का कमेंट आया है कि सर किस जोन में फॉर्म भरे, तो इसको तो ऑलरेडी ही कोई भी जोन फॉर्म फिल करेगा तो उसका सिलेक्शन हो ही जाएगा। फिर भी पूछ रहे हैं कि सर कौन सा जोन सेलेक्ट करें। भाई, तुमको जो अच्छा लग रहा है जो जोन, उस जोन को ना सिलेक्ट करो। फॉर्म तो सभी जोन में फिल होंगे और एएलपी का जो है सीट अधिक है, तो उसके लिए भी उतना टेंशन नहीं लेना है। जिसके मार्क्स जो है 30-35 के बीच में भी आ रहे हैं तो उसका भी सिलेक्शन हो सकता है। मतलब जिस जो रेलवे ने अनाउंसमेंट किया था कि जनरल 40% और ओबीसी 30% और एससी 30%, एसटी 25%, तो उस पर भी सिलेक्शन हो सकता है और होगा ही, क्योंकि 15 गुना उसको रिजल्ट लेना है। एक मीडिया में एक पेपरबाजी हो रहा था कि रेलवे 27% जो है रिजल्ट देगा, तो 27% मैंने इसको कैलकुलेट करके देखा तो ये 27% जो है 27% वो भी और ये जो 62 के लमसम जो है, जितना 64,000 के लमसम जो पोस्ट है उसको जो मैंने 15 गुना किया तो वो भी बात दोनों लमसम में बराबर ही आ रहा है। तो ये सब जो है, ये सारे आंकड़ा जो है लोग इस तरह से निकाले थे कि इतना परसेंट रिजल्ट देगा। तो बहुत रेलवे में जो है, मतलब स्टूडेंट में वो तहलका अफवाह फैल गया था कि ये सर इतना होगा, ये होगा, ऐसा ही हो। और जो लोग भी कंप्लेन किए थे, जो लोग भी जो जिसका मार्क जो है कम था या फिर उसके क्वेश्चन सेट में जो है आंसर की में जो कुछ आंसर गलती आ रहे थे, तो उसका जो है नॉर्मलाइजेशन होगा। और जिसके शिफ्ट जो है हार्ड थे, जिसका शिफ्ट हार्ड था उसका जो नॉर्मलाइजेशन होगा, तो उसका जो है 5 से 10 मार्क बढ़ने के चांसेस रहेंगे। जिसके क्वेश्चन जिस तरह से थे, किसी किसी शिफ्ट में 4 से 5 क्वेश्चन भी गलती थे, तो 4 से 5 नंबर तो वो हुआ और उसका जो निगेटिव आ रहा था वो, तो ऐसे जोड़ करके जो है 7 से 8 मार्क्स उसका बढ़ सकते हैं। हर एक शिफ्ट में जो है 1 या 2 क्वेश्चन का आंसर गलती था ही, तो इस तरह से उसका नॉर्मलाइजेशन होगा। और जिसका शिफ्ट हार्ड था उसका भी नॉर्मलाइजेशन होगा। सर नॉर्मलाइज मतलब बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा भी कमेंट कर रहे थे कि नॉर्मलाइजेशन किस तौर पे करेंगे, कैसे करेंगे, तो जिसका शिफ्ट हार्ड था उसी का नॉर्मलाइजेशन होगा, जिसका शिफ्ट आसान था उसका हो सकता है तो मार्क कमाएगा तो नहीं, जो मार्क दिया गया है उस मार्क को तो कमाएगा नहीं, बट जिसका कम है उसके मार्क को इंक्रीज करेगा। तो आइए इस सब के बारे में डिस्कस कर रहे जा रहे हैं। और प्रीवियस कटअप के लेकर जो पिछले साल के कटअप कुछ जो है मैंने कलेक्ट किया है उसको देखेंगे और पोस्ट प्रायोरिटी के बारे में भी देखेंगे, तो पूरा वीडियो को देखिएगा लास्ट तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, मैंने प्रीवियस ईयर का जो कटअप को उसको मैंने कलेक्ट किया है सारे, ये सारे जो है एएलपी का कटअप है, ये एएलपी का कटअप है, टेक्नीशियन का नहीं। तो टेक्नीशियन का जो है हर एक ग्रेड में हर एक तरह का कटअप था, जैसे कि आपको फिटर हुआ, इलेक्ट्रीशियन हुआ, मैकेनिकल हुआ, तो इन सारे जो है टेक्नीशियन हुआ, इन सारे जो है ग्रेड का अलग अलग कटअप थे, तो मैंने सारे को कलेक्ट सोचा नहीं वो, मतलब आप लोग जो है अगर आप लोग को देखना है तो एक बार गूगल करके देख लीजिए, आप लोग को सारे मिल जाएगा किसका कटअप कहाँ है। प्रीवियस ईयर का लिखना है गूगल में कि एएलपी या टेक्नीशियन प्रीवियस ईयर या टेक्नीशियन 2014 कटअप, ऐसे लिखिएगा आप लोग को, तो आप लोग जो है गूगल करके इसको देख लीजिएगा। तो चलिए मैं देख लेता हूँ इस सबको, मैं थोड़ा सा हिंट्स आपको दिखा रहा हूँ। ये अनरिजर्व है, जनरल, ओबीसी, एससी और एसटी है। तो ये अहमदाबाद में जो प्रीवियस ईयर जो गया था, ये 52.77 ये गया था कटअप, 52.77 ये देख सकते हैं, ये आप 100 में गया था, ये 100 में इतना कटअप गया था। और पिछले ईयर से जो है इस साल सीट भी अधिक है तो स्टूडेंट भी अधिक है, ऐसा भी सोच सकते हैं, सीट अधिक है तो स्टूडेंट भी अधिक है, लेकिन फिर भी जो है जो आप 75% इसका जो 100 में 52.7% हो सकता है, तो 75 में आप लोग निकाल सकते हैं कि इसका कितना परसेंटेज होगा, तो वही जाने वाला है 30-35-35 इस तरह से, तो इसी तरह से कटअप रहने वाला है। तो ये अहमदाबाद का देख लीजिए, ओबीसी का, एससी का और एसटी का, ये अजमेर का जो है
52.77 यहाँ भी रहा इतना भी। और ये जो सोच रहे हैं कि आप लोग इसका कट ऑफ थोड़ा जाएगा, इसका कट ऑफ हाई जाएगा, तो ऐसा नहीं होने वाला है। 0.5 या फिर 1.5 इस तरह से ही किसी में डिफरेंस रहेंगे, इसमें कुछ ज़्यादा इसमें इतना। यानी कि आप जो सोच रहे हैं कि 4-5 नंबर, ऐसा कोई बदलाव नहीं रहेगा हर एक जोन में, तो इसी तरह के बदलाव रहेंगे। जैसे देख लीजिए यहाँ पे, ये तीनों जोन में जो है जनरल का कटअप सेम ही था, और SC OBC का भी लगभग में सेम देखने को मिला है। अब यहाँ पर देख लेते हैं बेंगलोर का भी, OBC का बेंगलोर का बहुत कम गया था। तो मैंने पहले भी बताया था कि साउथ एरिया का जो है स्टूडेंट, साउथ का स्टूडेंट जो है रेलवे में दिलचस्प नहीं रखता है, इसलिए जो है यहाँ का कटअप बहुत कम जाता है। तो भोपाल का भी देख लीजिए, भोपाल का ही लगभग में ठीक ठाक ही कटअप रहा प्रीवियस ईयर। ये 100 का कटअप है, तो आप लोग 75 में देख सकते हैं किसका, भुवनेश्वर का कटअप बहुत हाई गया था प्रीवियस ईयर। भुवनेश्वर का कटअप जो है प्रीवियस ईयर बहुत हाई गया था, तो इस बार जो है हाई नहीं जाने वाला है, इस बार हाई नहीं जाने वाला है, क्योंकि इसको देख करके बहुत सारे स्टूडेंट जो है भुवनेश्वर फेल नहीं किए होंगे, तो इस बार हाई नहीं जाने वाला है। बिलासपुर का भी ठीक ठाक रहा, चंडीगढ़ का भी ठीक ठाक ही रहा, चेन्नई का भी ठीक ठाक ही रहा, और ये गोरखपुर का भी ठीक ठाक ही कटअप था। देख लीजिए गोरखपुर, गुवाहाटी, जम्मू कश्मीर, ये सारे इस सब जगह जो है 50% के लगभग में कटअप थे, 50%। तो 50% ही कटअप रहने वाला इस साल भी, क्योंकि सीट ज़्यादा है। मुजफ्फरपुर का देख सकते हैं, मुजफ्फरपुर का भी ठीक ठाक ही कटअप था। मुंबई का थोड़ा हाई था, तो मुंबई का जो है ये सारे जो है कटअप हाई होते हैं, इसलिए क्योंकि ये जो दो चार स्टेट हैं, ये देख लीजिए रांची का कटअप आप देख लीजिए कितना हाई है। तो मैंने यही सोच करके आपको जो है पहले सजेस्ट किया था कि रांची आप लोग दीजिएगा, रांची जोन भी आप लोग फिल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो प्रीवियस कटअप है, इस प्रीवियस कटअप को देख करके जो है इस बार स्टूडेंट ज़्यादा उस पर फॉर्म नहीं फिल करेंगे, इसीलिए जो है रांची जोन मैंने आपको सजेस्ट किया था। और ये सिकंदराबाद तो सजेस्ट किया ही था, तो सिकंदराबाद भी जो है आप लोगों को कम कटअप जाता है, क्योंकि ये साउथ एरिया और साउथ का जो है स्टूडेंट रेलवे से दिलचस्प नहीं रखता। तो चलिए ये सारे यही मैं आपको बताने वाला था। अब मैं आपको पोस्ट प्रिफ्रेंस के बारे में बता रहा हूँ, इसमें जो कटअप क्यों टेक्नीशियन में जो है ऐसा हो रहा है। देखिए ये जो तीन पोस्ट है मेरा ALP का, इस तीनों पोस्ट का जो है एक जोन से, अगर जैसे इस जोन में जो है ये अलाहाबाद का है, ये अलाहाबाद जोन से है, तो ये अलाहाबाद का जो ये तीन पोस्ट है, तो इसका तो कटअप सेम जाने वाला है। मान के चलिए इसका 60 आया, जो सॉरी 60 तो हो ही नहीं सकता कभी, 60 जैसे आ गया, मैन के चलिए इसमें जो है 30 के लमसम आया, या 28 आया, इस तरह से कटअप आया, इसका इतना कटअप आया। लेकिन ये जो टेक्नीशियन का जो है ये सब पोस्ट, इसका जो है कटअप ऐसे तो नहीं ना आएगा, इसका कटअप जो है 31 हो सकता है, 32 हो सकता है, 33 हो सकता है, या फिर 20 भी हो सकता है, या कुछ भी हो सकता है, लेकिन इस सब का कटअप जो है चेंज रहेगा। इसका जो है ALP का जो कटअप है ये सेम रहता है, और ये सारे कटअप जो है अलग अलग रहते हैं, जैसे जो जिस जोन में ऐसा। तो चलिए मैं यही को दिखाने वाला हूँ, और ये ALP जो है इलाहाबाद का पोस्ट प्रिफ्रेंस है, तो आप लोग इसको देख लीजिए। अगर आप जो लोग भी इलाहाबाद भरना चाहते हैं, उसका जो इतना सारे पोस्ट प्रिफ्रेंस मिलेंगे ये ALP से, जो आप लोग अगर इसको फिल करते हैं तो, और टेक्नीशियन से फिल कीजिएगा, फिर भी इस आप लोगों को इतना सारे पोस्ट प्रिफ्रेंस सेलेक्ट करने को मिलेंगे। ये देख लीजिए यहाँ पे ALP का जो है सीट बहुत, ये जनरल का इतना है, OBC SC ST ये सारे का जो है, ये ALP का सीट बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, बढ़िया है। और ये टेक्नीशियन का जो है, ये एक्चुअली टेक्नीशियन वाले के लिए नहीं, ALP से जो भरे होंगे ITI से, उसके लिए ये सारे पोस्ट प्रिफ्रेंस है। और जो लोग टेक्नीशियन से होंगे उसके लिए टेक्नीशियन का पोस्ट प्रिफ्रेंस, यानी पोस्ट उसके लिए ज़्यादा आएंगे तो टेक्नीशियन से। तो चलिए इसको देख लेते हैं। और कुछ PCM वाले, ये रांची जोन से जो है PCM वाले, इसको मैं रांची क्यों सजेस्ट किया था वो मैं आपको बता दिया कि प्रीवियस ईयर इसका कटअप ज़्यादा था, तो इस साल इसका कटअप ज़्यादा नहीं जाने वाला है, तो इसलिए मैंने इसको सजेस्ट किया था। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अभी भी आप लोगों को कुछ डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं उस कमेंट का बहुत जल्द रिप्लाई करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अपने नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।